हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। और दिस इज़ अ काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड अनप्लान्ड वीडियो, बिकॉज फ़िलहाल आप देख सकते हैं पीछे की तरफ ये जो पूरा एरिया है, ये समझ तो आप गए होंगे बाकी वीडियोस में देखा है, ये घर के पास वाला मंडी वाला एरिया है। और इसमें मैं अभी क्या करने वाला हूँ, ये प्रियंका मेरी सिस्टर है, इसको गाड़ी चलाना अभी हम सिखाने वाले हैं। वैसे तो इसको मतलब थोड़ा बहुत सीट पर पीछे की तरफ बैठ के गाड़ी चलाना पहले भी सिखाया हुआ है, लेकिन इससे बनता नहीं है, इसके पैर वैर भी ठीक से पुरते नहीं है। लेकिन आज इसने गली में देखा कि कि एक छोटा सा बच्चा भाई बाइक चला रहा था और इससे बनती नहीं है, तो बोलती कि नहीं अब तो मेरे को आज सीखना ही सीखना है। सो मैं आज इसको देखता हूँ गाड़ी चलाना सिखाता हूँ, और मतलब पीछे की तरफ बैठ उठ के नहीं सिखाऊंगा, इसको गाड़ी पे बिठा देंगे और इसको चलाना है। मतलब बेसिक छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो हम बता देंगे, लेकिन ये चाहे गिरे चाहे पड़े चाहे कुछ हो, लेकिन आज इसको गाड़ी चलाना ही चलाना है, ठीक है। बाकी शाम का टाइम हो रहा है, मुझे तो ये भी फ़िलहाल क्लियर नहीं है कि इस वीडियो को मैं डालूंगा भी या नहीं डालूंगा। और दूसरी चीज़ ये कि ये पता नहीं गाड़ी चलाना अगर नहीं सीख पाई तो भी क्या मतलब डालने का, तो पोपट नहीं करना, ठीक है। हाँ तो तेरे को मालूम है ना सारी चीज़ें कहाँ क्या होती है। हाँ, और जो भी मतलब चैनल पे जितने भी हैं कार वाले बाइक वाले सब्सक्राइबर हैं ज़्यादातर, तो उनको भी पता ही होगा बाइक में कौन सी चीज़ कहाँ होती है, ये क्लच है, ये गियर है, उस साइड ब्रेक है। चल फटाफट से शुरू हो जा, पीछे नहीं बैठूँगा बेटा। देखो इसके पैर ऐसे पुरते हैं, इस साइड से उठाएगा तो इस साइड टिक जाएंगे और इस साइड से उठाएगा तो उस साइड टिक जाएंगे बेचारा। लेकिन बेटा आज तेरे को चला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए न्यूट्रल में कर ले पहले, ठीक है। इसको साइकिल वगैरह चलाना आती है तो मेरे हिसाब से कोई खास बड़ी डील नहीं है मोटरसाइकिल चलाना। ये अच्छा किक से स्टार्ट करके बताइए, किक से कर ले वो ए हाँ करके बता बेचारा। रोटी खाई थी नहीं खाई थी दिन में, दम लगा थोड़ो रेंदे तू रेंदे ए ए तू रहने दे, तू इससे कर ले यार। देख बेचारे के पाँव नहीं पड़ रहे, ठीक है। ये 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 फिलहाल तो चला ली है। वो ज़्यादा लंबा राउंड मत काटना है, पास से आ जाना गाड़ी में पीछे की तरफ बैठ बैठ के। इसको थोड़ी थोड़ी जो प्रैक्टिस है वो पहले कराई हुई है, लेकिन अकेले जो है ये फर्स्ट टाइम चला रही है। बेटा साइड ऐसे ना एकदम चढ़ाव में मत चढ़ाया कर, गिर जाएगी गाड़ी ऐसी किनोर पे चढ़ाएगा तो। कहाँ अब इतने से में कुछ थोड़ी होगा, धीरे धीरे चला चला और भी चला चला यहीं चला और कहाँ चलाएगा। ये जो ग्राउंड है आप देख सकते हैं पूरा, ये मंडी का ग्राउंड है, अनाज की मंडी है और फिलहाल इस समय खाली पड़ी है। सो यहाँ पे जो रोड हैं ये काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हैं गाड़ी वगैरह सीखने के लिए, तो ज़्यादातर ये फ़िलहाल इसी काम में आ रही है। गेहूँ चने का मौसम आ गया तो ये दिन के टाइम में भरी रहेंगी और शाम के टाइम पर खाली रहती है, तो हम लोग इसका सदुपयोग कर लेते हैं। कैसे चला रहा है कैसे कौन चला अभी तो अच्छी चला लिया, आप क्या हो गया मेरे को नहीं पता कुछ भी होती है। वो बच्चे को देखा था कैसे मोड़ रहा था, हाँ तो तू भी झूल चल चल बड़ा बड़ा जल्दी। चलो ये दूसरा राउंड है इसका, अब मैं इसके पीछे पीछे कहाँ तक दौड़ूंगा। मैं इधर कहीं ये चेयर्स दिख रही हैं इन पे बैठ जाता हूँ या इधर आराम से खड़ा हो जाता हूँ। चला तो तू ठीक रहा है यार, मैंने सोचा थोड़ा गिरेगा पड़ेगा हड्डी वड्डी टूटेगी तो कछु थंबनेल टाइटल में डाल मिलेगा।
ए पेट्रोल महंगो है, तू दिमाग खराब मत कर, चल चला ठीक से। कौन से गियर में चलाई थी अभी? अभी मैंने फर्स्ट, सेकंड और फिर थर्ड भी लगा ली, तभी आते आते। वो स्टंट वाले से डर तो नहीं लगा? चल ठीक है, चला आएगा, चलो चल चला तो रे, रो के मत तू गाड़ी, बस अभी ज़्यादा तेज मत चलाई है। सो ये देख लो गाइस, पहली बार में ही मतलब इसने अकेले में चला ली है, वेल डन, काफ़ी अच्छा काम किया, ग्रेट सक्सेस। ओवरऑल जो गाड़ी वाड़ी चलाना है ना, अगर खुद से मन में अगर इच्छा है ना, तो व्यक्ति वैसे ही सीख जाता है, ज़्यादा वीडियो वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती भाई, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। चाहे वो कार हो चाहे बाइक हो, थोड़ी बहुत अगर आपके मन में जिज्ञासा है किसी चीज़ के बारे में देख लो, लेकिन गाड़ी वाड़ी जो चलाना है टोटल प्रैक्टिस का काम है, प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखो हमेशा। आप देखो, इसे नहीं आती बाइक चलाना, साइकिल चलाई हुई है ये, और जो बाइक है मैंने खुद पीछे से थोड़ा हाथ वगैरह पकड़ के पहले कभी सिखाया, काफ़ी दिन हो गए, और आज ये अकेली चला रही खुद से, और ये इसी तरीके से अगर प्रैक्टिस करती रही नो डाउट ये बहुत जल्दी मतलब अच्छे तरीके से गाड़ी चलाना सीख जाएगी। लाइसेंस इसको पहले ही बनवा दिया, हमारे मध्य प्रदेश में लाइसेंस वाइसेंस बनवाने में ज़्यादा झंझट नहीं होता, पैसे दो एजेंट को थोड़े बहुत और मस्त लाइसेंस बन जाता है, फोर व्हीलर का टू व्हीलर का भले चलाना ना आता हो। तो गाइस अकेले अकेले तो बहुत चला लिया, अब बारी है मेरे को बिठा करके चलाने की। दोनों पैर ऊपर रख लूँ? ये देखो गाइस पूरा संभाला हुआ है इसने, मैंने दोनों पैर अपने ऊपर रख लिए हैं। सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन अच्छा है, गाड़ियों में सेल्फ स्टार्ट नहीं होता तो क्या होता। घर जाएंगे तब चला लेगा, देखता हूँ यार। अरे यार मोड़ना ना मोड़ना है तो बता दो। जान दे, ये बड़े वाले ब्रेकर पे से कूदाएंगे, कूदा देगा सेकंड गियर में, कूदाऊंगा। हाँ तो देखते हैं गाइस ये सेकंड गियर में ब्रेकर पर गाड़ी चला पाती है कि नहीं, काफी बड़ा ब्रेकर है। ओ, 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 ओ। साले ये देखो, यहाँ पे ब्रेक मारा था, यहाँ से टायर घिसते घिसते पूरा यहाँ तक, ये देखो ये टायर पे निशान भी पड़ गया, वो देखना, वो मैं नहीं बैठा तेरे पीछे। चल स्टार्ट पूरा किया कर। मैं तो समझ नहीं रही तुम भैंस जैसे पूरा बैठ गए हो। तू अकेले ही चला। नहीं ना, ना। तो तू रहने दे, तू मेरे को गिरा दिया तो उल्टा तो मत करेगा। हाँ पत्थर पत्थर पे चढ़ा दे था अभी। वैसे किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि गाड़ी चलाते समय डांट खाई है? मैंने। इसने बहुत खाई है बेचारे के पैर नहीं पुरते, नहीं तो तू तो भाई पायलट रहता रे, है ना। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि इसको तो चलानी आती है, हट पागल बना रहा है। नहीं आती है। विद्या विद्या सोगन खाजा मोह नहीं यहाँ चलाते करके। विद्या कसम, विद्या कसम हम नहीं यहाँ चलाते। मेरे को आती है, इसको नहीं आती। मैंने पहली बार इतनी चलाई है लेकिन, है ना। तो दिक्कत कहाँ कहाँ आ रही है अभी ये बता। हाँ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में उठाने की बहुत प्रैक्टिस से ठीक होगी, वह अलावा का चुचार होगी और कभी मतलब कभी उठा तो कभी कभी गिर जाती है। तो अब तेरे पाँव ना ट्रैक्टर से और ऐसी कार के बीच में ना ऐसे खींचने पड़ेंगे तब जाके। चलो मेन रोड पे चलो, हाँ यहीं से फोटो देख के। रुक जाना भैया, चलो। तो गाइस हम लोग मेन रोड पे आ चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे जो वाहन हैं वो चलते हुए दिख रहे हैं,
और नए ड्राइवर को हमेशा सामने आती हुई गाड़ी से या पीछे से आती हुई गाड़ी से ही ज़्यादातर डर लगता है। ऐसा लगता है कि बस उसी में जाके ठुकना है मेरे को या गाड़ी मेरे ऊपर ही आ रही है, बाकी कोई नहीं है दुनिया में। चलो थंबनेल खींच रहा है मतलब वीडियो डलेगी, अब कुछ भी हो जाए। हाँ यहीं पे ज़्यादा नाग मत बने। सो गाइस इस वाले वीडियो को यहीं पर अब एंड करते हैं। आप लोगों ने देख लिया इसने कैसी क्या गाड़ी चलाई, जैसी भी चलाई अच्छी चलाई, और पहली बार अकेले जो चलाई है जिस हिसाब से मेरे लिए तो मतलब काफ़ी अच्छा चलाई है, वेल डन। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी इतना ही था इस वाले वीडियो में। अभी हम लोग जाएंगे सब्जी ख़रीदने, उधर ट्रैफिक है, मैं रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि अगर बीच रोड में गिर गए तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।